पूरे देश के साथ साथ दूसरों में भी आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर अपने संदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने मीडिया के बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए द्वीपों से संबंधित मुद्दों के निष्पक्ष, ईमानदारी, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण रिपोर्टिंग करने और इस द्वीप समूह तथा द्वीपवासियों के चहुंमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी का खूब प्रयोग करता है। ये लोगों को शिक्षित करने और जनता की राय के अनुरूप सामुदायिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समूहों के बीच सद्भावना का संबंध स्थापित करते हुए राष्ट्रीय भाईचारे को विकसित करने में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर कई जगहों पर पत्रकारों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार प्रशासन के सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय के सूचना एवं प्रचार प्रभाग द्वारा आज शाम 4 बजे माया बंदर के अलोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज शाम 6 बजे पोर्ट ब्लेयर के मोहनपुरा स्थित होटल ACC में पोर्ट ब्लेयर स्मॉल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच कई पत्रकारों ने प्रेस दिवस के अवसर पर एक बार फिर अपनी मांगों को उठाते हुए पत्रकारों के लिए उन सभी सुविधाओं की मांग की है जिन सुविधाओं को पत्रकारों को मुख्य भूमि में दिया जाता है। पहले नेशनल प्रेस डे का जो और जो देश का जो पूरा जो पत्रकारों की ओर से और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो पत्रकारों ऊपर से हम सबको धन्यवाद देता है। साथ साथ जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स ने हम 1992 से इस मीडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग देखता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर लोग और जो मीडिया मिल के चलता था, कई जगह में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होता है, उसको सुलझा जाता था, लेकिन आजकल जो देखता है जो मीडिया एक तरफ चलता है और एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ चलता है, मीडिया को फोर्थ पिलर में एडमिनिस्ट्रेशन दिखता नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था वो प्रेस का साथ अच्छा तरीका से रहने मांगता है, जो यहाँ का चीफ सेक्रेटरी रहने मांगता है, लेकिन हम लोग दिखता है उसके नीचे जितना भी ऑफिसर है उनको ये प्रेस को अवॉइड करने का एक मौका देता है और उनका डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। आपको मालूम है जो जो पत्रकारों को जिस सुविधा सारे यूनियन टेरिटरी में मिलता है, हमें पांडिचेरी में गया था वहां में क्या क्या सुविधा मिलता है, और दिल्ली में गया था MP के साथ गया था वहां में क्या क्या सुविधा मिलता है हम लोगों का, जो कोई भी सुविधा अंडमान का जो पत्रकारों को प्रशासन का तरफ से जो वो लोग देता नहीं। और उसी तरफ जो यहाँ को रेकग्नाइज भी नहीं करता, अभी तक एक्रेडिटेशन को भी वो लोग मान्यता नहीं दिया है।